हजार लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, शरारते हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। रा रा शामदीद मुराद साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा करीम। कैसे हो? जैसा आप छोड़कर गए थे बिल्कुल वैसा ही। घर चलेंगे या ऑफिस? घर। किसके घर जाएंगे? अपने और किसके, पता था मुझे, फिर पूछने की जरूरत क्यों? ऐसा लगा शायद आप आउटिंग पे जाना चाहें। इंसान का मूड कब बदल जाए क्या पता। अच्छा जी, तो ऐसा लगता है तुम्हें। मुझे आउटिंग पे जाना पसंद नहीं, अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें सब। अब चलना चाहिए हमें, नाश्ते पर कहीं लेट ना हो जाए। ख्वाब में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ऑमलेट की कि क्या बताऊं। एक ही ख्वाब देख रहे हैं क्या हम दोनों? मुझे भी आ रही है खुशबू। मुझे तो लग रहा है असली हमें सरप्राइज देना चाहती है। वो कैसे बना सकती है, वो तो जॉब पर है। तो फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है? बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसा अम्मी बनाती हैं। जी कर रहा है, चपड़ चपड़ खा जाओ। नाश्ता तैयार है, चलो उठ जाओ।
अम्मी की आवाज है ये। अम्मी, वाकई अम्मी आ गई? अरे अम्मी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? चलो चलो, जल्दी उठ जाओ। शाबाश, हमें तो पता नहीं चला आप कब आई। अब पता चल गया। ये मेरे कपड़े क्यों निकाल रही हैं? समेट रही हैं। हुआ क्या है अम्मे आंटी? ये जा रही है मेरे साथ। इसके बाबा ने कहा है अभी जाओ और उसे फौरन घर लेकर आओ, वो भी आज ही। अब उनका हुक्म कोई टाल सकता है क्या? अगर आज नहीं लेके गई इसको तो मुझे भी निकाल देंगे, और नौकरी भी तो नहीं मिली इसे अभी तक, क्या करेगी यहाँ? अरे तुझे तो पता ही उनकी आदत का। तेरे बाबा ने कह दिया अब जाना पड़ेगा। तो ये सब आपको बाबा ने कहा है? कल ही उनसे फोन पे बात हुई है, मुझे तो नहीं बताया उन्होंने। हाँ, अपनी बेटी पे जान छिड़कते हैं भाई, वो तो ऐसी बात कह ही नहीं सकते। जान खा ली है उन्होंने मेरी, कोई दूसरी होती तो पता चलता, वो तो मैं हूँ जो गुजारा कर रही हूँ। वेलकम एमएनए आंटी, गुड लक। कपड़े बदल लो जल्दी। उफ। हमें घूरा जा रहा है, अगर आप हुक्म करें तो इनकी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दूं। तो क्या सोचा है आपने, आगे बढ़कर अटैक करना है या पीछे रहेंगे हम? पीछे रहेंगे हम। क्या बात कर रहे हैं सर, इन्हें लगेगा कि हम लोग डर गए। हमारा पता है सर। क्या बात है, अभी तक तुम बड़े नहीं हुए। हाँ, मेरे साथ मुकाबला करने की पुरानी आदत गई नहीं तुम्हारी। और कितनी गाड़ियां बदलोगे? मेरे ख्याल में घर में एक ही रेसर काफी है, और मैं इस बात से बहुत खुश भी हूँ। वेलकम भाई। थैंक यू। वैसे सारे रास्ते हम आगे थे द्रुक साहब। हाँ, पर जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है करीम भाई, कभी कोई पीछे होता है और कभी आगे। खैर आप बताएं भाई, अनकरा का टूर कैसा रहा? इंजॉय किया, घूमे फिरे या ऐसे ही वापस आ गए? ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ इस वक्त आ कहाँ से रहे हो तुम? और हाँ, भूलना नहीं आज मीटिंग है हमारी। जब आप आ ही गए हैं तो फिर मीटिंग भी खुद ही अटेंड कर लें। वैसे भी मैं रात भर दोस्तों के साथ पार्टी में था, अभी घर आया हूँ। वैसे मेरी पार्टी आपके अनकरा के टूर से बेहतर नहीं थी भाई, मुझे तो कभी नहीं लेके जाते आप। अच्छा बहुत हो गई बातें, तुम्हारे पास आधा घंटा है, जाओ तैयार हो जाओ। ओह खुदा, छोटा होने की वजह से सबकी सुननी पड़ती है। वेलकम सर। ज्यादा टाइम मत लगाना। हाँ, जरा पहले जाके दादी से तो मिल लें, वरना पता है ना उनका। बहुत देखभाल करती हैं पौधों की। आ गया तू, कहाँ गायब था इतने दिनों से? अनकरा गया था, पता तो है आपको दादी जान। वो तो मालूम है मुझे, तू अनकरा गया हुआ था, मगर इतने दिन क्यों लग गए तुझे वहाँ? काम ज्यादा था इसलिए। क्या ये दादी पागल नहीं हुई है अभी है? सब समझती है। कोई लड़की तो पसंद नहीं आ गई तुझे वहाँ पर? देख, अगर अनकरा की लड़की है तो अच्छी होगी, मुझे भी बहुत पसंद है वहाँ के लोग। अब बता भी दे, खामोश क्यों खड़ा हुआ है? कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ, मैं चाहती हूँ अब तेरी शादी हो जाए, और जो भी लड़की तेरी जिंदगी में आए वो तुझे खुद से ज्यादा चाहे। तुझे तो मालूम ही है तेरी दादी तड़प रही है पर दादी बनने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ दादी, सिर्फ काम की वजह से दे रही। खैर आप बताएं, आपका वक्त कैसे गुजरा मेरे बगैर? तू ही बता कैसा गुजरा होगा,
उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे रहना और झेलना आसान बात है कोई? अगर उसने सुन लिया फिर? है, डरती हूँ मैं। वो तो है। तारिया? क्या है? यार हमेशा का मसला है, तुम कभी टाइम पे तैयार नहीं होती। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो नजात? तैयार हो तो रही हो ना? अच्छा ना, बहुत प्यारी लग रही हो। जल्दी करो, मुराद आ गया होगा। जल्दी क्या है? वो नाश्ता हमारे साथ करेगा, उसने कहा था हमें। लेकिन तुम्हारी तैयारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जानबूझ कर उसे वेट करा रही हूँ? हाँ फिर चलिए, मुराद साहब को वेट कराना तो गुनाह है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुराद, नाश्ता गार्डन में लगवा दिया है, आ जाओ। आता हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? ऊपर जा रहा हूँ दुरोक के पास। दुरोक आ गया घर पर? जी हाँ आ गया है, मिला भी है मुझसे और आते ही सो गया है शायद। जब सुबह ही आया है तो फिर सोने दो ना उसको। वाह 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 वाह, आ गया हमारा प्रिंस, वेलकम होम। कैसे हो? वहाँ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? बहुत अच्छी रही वहाँ की मीटिंग, लेकिन आज की मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। हाँ वो मीटिंग तो मेरे जहन में ही नहीं रही। छोटा शहजादा कहाँ है, उठा नहीं अभी तक? अभी तो आकर सोया है, पूरी रात का जागा हुआ। इसका क्या मतलब है, मीटिंग कैंसिल कर दें? तुम जाकर उठाओ उसे, उसको कहो कि उसका जाना जरूरी। नींद पूरी नहीं हुई है, छोड़ दें उसे। एक दिन नींद पूरी ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? नींद खराब नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। असली बेटा जरा रुको, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारे पर्स में जितनी दवाएं ना वो सारी मुझे दे दो। हाँ फरीदा आंटी, आपको क्या लगता है मेरा पर्स कोई मेडिकल स्टोर है? मैं सिर्फ एक नर्स हूँ जो अपनी मर्जी से मेडिसिन नहीं दे सकती। हुआ क्या है? अरे घर में कयामत का समा हो गया है। अच्छा क्या हुआ? आप आए, मैंने आ गई है। हाँ सच कह रही है, ये तो खुशी की बात है। हाँ खुशी की ही बात है। हाँ उनके गले भी लगी मैं, खुशामदीद भी कहा मैंने। ओह अच्छा, ऐसे डरा दिया आपने जैसे कोई मर ही गया है। उसके अब्बू ने उसे घर वापस बुला लिया है, वैसे भी उस बेचारी को अभी तक जॉब भी तो नहीं मिली है ना। क्या कह रही है एमिनी आंटी, हयात को लेने के लिए यहाँ पर आई है? अब झूठ कह रही है। अरे अस्पताल जा जाके तुम्हारा दिमाग ऐसा हो गया तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। अंदर जाके देखो कि उससे लड़ रही है दोनों। अरे उसकी माँ उसे लेके जाएगी आज। अगर तुम्हें झूठ लग रहा है ना ये सब तो खुद अंदर चल के देख। चलो अगर मुझे पढ़ने के बाद वापस से लेकर जाना था तो यहाँ क्यों भेजा? कौन से तीर मार लिए तुमने पढ़ के? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो हयात। बहुत खुशी हुई आंटी आपको देखकर। बिल्कुल हुई होगी, अभी तो एक और खुशी मिलने वाली है तुम्हें। आंटी जान आप भी अम्मी को समझाइए ना, बच्चों की तरह जिद करिए कि मुझे लेकर ही जाएंगी वापस। अभी तो इसकी पढ़ाई भी बाकी है ना। हाँ तो क्या करूँ, इन दोनों बाप बेटी के बीच में पिसकर तो मैं रह गई हूँ ना, मेरी तो बस हो गई, बहुत हो गया। अम्मी जान आज दो जगह इंटरव्यू है मेरा जॉब के लिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास आज का पूरा दिन है, अगर तुझे नौकरी मिल गई तो ठीक है, वरना तेरा बाजू पकड़ के तुझे लेके जाऊंगी। हाँ तुम अभी से बस की टिकट करवा लो, बाद में मिले ना मिले। क्या बात की है, सही तो कह रही हूँ, एक दिन में तो नौकरी मिलने से रही तुम्हें। मेरे ख्याल में तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है, इसको हौसला देने के बजाय भगा रही हो। किस्मत तो मेरी फूटी हुई है, इसका क्या कसूर? लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ अम्मी जान, जॉब हासिल किए बगैर वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। हाँ। तेरे बाप की कोई मिले नहीं चल रही, उसने खर्चा भेजने से मना कर दिया है। अगर खर्चा नहीं आएगा तो यहाँ का चूल्हा रोटी कैसे चलेगा बताओ? अरे कैसे चूल्हा नहीं चलेगा, मैं तो खुद चूल्हा भी जला लेती हूँ और खाना भी बना लेती हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझ आई? तुम्हीं ने बिगाड़ा इन्हें, चली आई हिमायत करने। तुझे पता है ना तेरा सारा सामान मैं बांध चुकी हूँ, अगर नौकरी का बंदोबस्त हो गया तो ठीक है, वरना जाना तय है। ऐसा मैं नहीं चाहती, जैसा इसके बाप ने कहा वैसा मैंने कह दिया। उफ।
अच्छा जी, तो अब जब सारी फैमिली यहाँ मौजूद है तो कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे। रिटायर हो रहा हूँ मैं। है? वैसे कभी कभार ऑफिस आ जाया करूँगा, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, और उसके बाद मैं अल्लाह हाफिज कह दूंगा पूरी तरह। मगर 6 महीने के बाद क्या होगा, काम कौन संभालेगा? इन 6 महीनों में मैं परफॉर्मेंस देखूंगा, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसे हेड बना दिया जाएगा। किसी एक को हेड बनाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर कंपनी संभाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि कंपनी का एक ही हेड होता है, क्योंकि अगर 2 लोग एक पॉइंट पर मुत्तफिक ना हो तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा, इसलिए हेड तो एक ही होगा। भाई बाबा ठीक कह रहे, हेड तो एक ही होना चाहिए, मेरी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, ये जिम्मेदारी तो आप ही संभालिए। मजाक का वक्त नहीं है दुरुक, तुम्हारे बाबा बहुत सीरियस हैं, उनकी बात ध्यान से सुनो। शुक्र है उसने आज कोई ढंग की बात तो की। तुम्हारे बाप ने बहुत कम उम्र में कारोबार संभाल लिया था, शादी भी जल्दी हो गई थी, और इसने कारोबार के साथ साथ फैमिली को भी संभाला। अब तुम दोनों को भी चाहिए कि शादी करो और अपना। प्लीज अम्मी जान, इस टॉपिक पे अभी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर ये एक दफा शुरू हो गया तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, मगर ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। जी दादी, और हम दोनों को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में भी जाना है, चलें दो। भाई आप चलिए, मैं ये सैलेड खत्म करके आता हूँ, वरना ये नाराज हो जाएगा, देखिएगा मैं आपसे पहले पहुंचूंगा। अच्छा खुदा हाफिज। क्या हुआ, रुक क्यों गए? हीटअप हो गई है। अच्छा तो अब क्या करें? उतर के देखता हूं मैं। टैक्सी। क्या मसला है करीम? वो पानी खत्म हो गया। क्या बोल रहा? पानी नहीं है। कितनी देर लगेगी इसे ठीक होने में? इंजन को ठंडा भी करना पड़ेगा। मुझे देर हो रही है करीम। टेंशन नहीं है, दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ अभी। छोड़ो, दूसरी गाड़ी मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। घर चैन नहीं आता सबको क्या? आज ही के दिन सबको टैक्सी में बैठना है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंची तो ये जॉब हाथ से निकल जाएगी। उफ़, आज ये सारे के सारे बस वाले भी मर गए, ये सारी मुसीबतें मेरे पास ही क्यों आती हैं? टैक्सी। ये तो प्राइवेट कार है, सॉरी। कहाँ जाना है मेरी जान? जहन्नुम में जा रही हूँ मैं, चलेगा मेरे साथ? लड़की देखते ही तेरे जैसा के दिमाग में गंदगी भर जाती है, अपनी बहन के देखा था? निकल जाहिल बेगैरत, शर्म नहीं आती है, मर को जाके कहीं। हाँ चलोगे? जी जी सर, क्यों नहीं चलेंगे, मैं जरा स्टोर से होके आ जाऊँ फिर चलता हूँ। ओके। मुझे गलत समझ रही हैं आप शायद। समझ तो आप नहीं रहे हैं, मुझे कहीं पहुंचना है, देर हो रही है मुझे। चलें, बहुत हुआ, बाहर आइए, मुझे बैठना है टैक्सी में। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जल्दी से बैठो और चलाओ टैक्सी। देखो मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, ये टैक्सी मैंने बुक की है अपने लिए। हाँ। एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? वो मुझे कहीं पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है।
मैं समझ गया आपकी बात। ऐसा कीजिए, आप भी बैठ जाइए, पहले मैं उतर जाऊंगा फिर आप चली जाइए। मुझे पागल समझा है क्या कि किसी भी अनजान आदमी के साथ टैक्सी में बैठकर चली जाऊं मैं? टैक्सी वाले को जानती हो? नहीं तो? तो वो अनजान आदमी नहीं है? वो टैक्सी वाला है, समझ गए? नहीं समझा। ठीक है, जाइए आप। एक अनजान आदमी के साथ जाने से बेहतर है कि मैं पैदल चली जाऊं। यानी कि दो अनजान आदमी, एक मैं और दूसरा टैक्सी ड्राइवर। बच गई टैक्सी। इंसानों के जानवर हो, खुद गर्ज कहीं के? शक्ल देखो आईने में जाके, बिल्कुल बंदर जैसी है। बंदर जैसी शक्ल, क्या अजीब लड़की थी। जी सर, चलें क्या? साठ बिना सी जगह देखी हुई है तुमने? लिवेंट स्ट्रीट। हाँ। सर आपका फोन बज रहा है, या तो इसे उठा लीजिए या फिर साइलेंट कर दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि ये आपका है। नहीं, मेरा फोन नहीं बज रहा। फिर किसका है? अरे ये तो उसका है, एक पागल लड़की है, उसे देते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ही मेरी दुश्मन हो गई है। एक टैक्सी मिली थी, वो भी वो बंदर ले गया। मुझे कह रहा है कि तुम टैक्सी वाले को जानती हो, अरे मैं क्यों जानूंगी भला। और फिर क्या कह रहा है, मेरे साथ चली चलो। ऐसा होगा कि पहले मैं उतर जाऊंगा, उसके बाद आप चली जाना। खुद को बड़ा जेंटलमैन समझ रहा था, जेंटलमैन मेरी जूती से। एक्सक्यूज मी, पीछा कर रहे हो मेरा? क्या तुम मुझे गलत लड़की समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये हाथ में क्या है आपका? अब तुम मुझसे मेरा नंबर मांगोगे और मैं दे दूंगी? एक बात समझ ले, मैं बहुत सबर से काम ले रहा हूँ आपकी हरकतों पे, वरना क्या करोगे तुम? हाँ क्या करोगे? सबर तो मैंने किया हुआ है, वरना तुम्हें पता चलता। बेशर्मों की तरह मोबाइल उठाकर मेरे मुंह पे खड़े हुए हो, इधर दिखाओ ना जरा। आपने ये क्या किया? आपका मोबाइल फोन मैंने फेंक दिया। स्लो करना। हैव अ नाइस डे। कुछ बताना पसंद करेंगी या ऐसे ही प्यार से देखती रहेंगी मुझे? जरा समझा मुझे, ये तू कर क्या रहा है? हुँ? क्या तुझे लगता है तेरा फैसला ठीक है कि सब इख्तियार एक ही के पास हो? ऐसे तो भाइयों के बीच फूट पड़ जाएगी। मेरे बेटे इस बात को लेकर आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। वो दोनों तो नहीं लड़ेंगे मैं जानती हूँ, मगर तेरी बीवी बाज आने वाली नहीं है। ओफो, मुझे समझ नहीं आता आपको उससे क्या मसला है। तेरी बीवी क्या चाहती है तू कभी नहीं समझ पाएगा, और मुझे उससे कोई मसला नहीं बल्कि उसे मसला है हमसे। क्या कह रही है ये?
क्या मसला होगा उसे? और क्या वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं? हमारा खानदान है सर सलमास, और वो बाहर वाली हमारे खानदान को तोड़ दे। मैं समझ गया, वो आपको शुरू से ही पसंद नहीं थी इसलिए ऐसा कह रही है। मेरी बातें तुझे फजूल लग रही हैं, मगर एक बात याद रखना, मुराद के सिर संभालते ही ये बात तू खुद आकर कहेगा कि माँ तू बिल्कुल ठीक कह रही थी। अम्मी जान, मेरा बेटा मुराद है अगर तो दुरूक भी तो है, और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि दुरूक में बहुत बचपना है, उसके लिए ये मुश्किल है। और अभी तो खेलने कूदने के दिन है उसके, उस पर क्यों जिम्मेदारी डाली जाए? प्लीज अम्मी जान समझे इस बात को, मुराद को हेड बनाने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। वेलकम मुराद सर। प्रोडक्शन की रिपोर्ट 4 बजे मेरी टेबल पर होनी चाहिए। रिपोर्ट्स जल्दी रेडी करो। मिलानो के साथ जो मेरी मीटिंग है उसके सारे पेपर्स तैयार हैं ना? जी सर तैयार हैं। लेकिन जिनसे मीटिंग होनी थी उन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कैसी? 5 मिनट पहले ही उनकी कॉल आई है, वो कह रहे थे कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। लेकिन मीटिंग तो 10 मिनट बाद है। जी हाँ वो थी, लेकिन अब वो 1 घंटे तक पहुँचेंगे। ठीक है मीटिंग कैंसिल कर दो, लेकिन उन्हें मत बताना। ओके, आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताना। लेकिन सर क्या नहीं बताना है? जब वो यहाँ आए तब उन्हें बताना कि मीटिंग कैंसिल, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि वक्त की अहमियत क्या होती है। अभी जो मीटिंग थी मुराद सर की कैंसिल हो गई है और वो बहुत गुस्से में है। ये लिफ्ट इतनी स्लो क्यों चल रही है? सर मैंने कह दिया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, वो कह रहे हैं कल तक ठीक हो जाएगी। कल तो बहुत दूर है, आज के आज ठीक करवाइए इसको। लिफ्ट आज ही ठीक हो जानी चाहिए। ओके ओके। कैटलॉग की शूटिंग का क्या हुआ, वो चल रही है? जी जी सर, मॉडल आई हुई है और शूट भी चल रही है। तो पहले उसी को देख लेते हैं। फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा ये बताओ क्या हुआ जॉब का? एक मिनट, असली का फोन आ रहा है, उसे भी लाइन पर ले लूं। जल्दी से अच्छी खबर दो कि तुम्हें जॉब मिल गई और तुम्हारी अम्मी तुम्हें वापस लेकर नहीं जा रही। या फिर तुम चली जाओगी, हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे और रोते हुए खुदाफिस करेंगे। एक बात बताओ, कुछ देर पहले मैं इंटरव्यू नहीं दे रही थी बल्कि कूड़े के डिब्बे में थी। अच्छा तो जॉब मिलते ही काम भी शुरू कर दिया? यार एपिक इस वक्त मजाक मत करो, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। एक नचड़े की वजह से मुझे टैक्सी भी नहीं मिल पाई और उसी की वजह से डस्टबिन में मोबाइल फेंक दिया अपना। तुम भी ना, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा और फोन को डस्टबिन में फेंकने की क्या जरूरत थी? इस वक्त कुछ मत पूछो, घर आकर बताऊंगी सब। खुद को बड़ा हैंडसम समझ रहा था चूहा। यार तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्यों लड़ती रहती हो हर एक से? मिस हयात आपके लिए एक मशवरा है, जब भी कोई हैंडसम लड़का मिले आपको उसको अपना नंबर दे देना चाहिए। अगर यूं ही लड़ती रही तो कौन मिलेगा तुम्हें? अगर वो दोबारा मेरे सामने भी आए ना तो देखना मैं उसका क्या हशर करूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो? सारी बातें यही बता दूं क्या? बाकी बातें घर पर आकर करती हूँ। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, मुझे जाना है। अब कहाँ जाओगी? एक टेक्सटाइल कंपनी है, कहीं वहाँ के लिए भी लेट ना हो जाऊं। अरे यार जाकर उसका ड्रेस तो देखो, सब खराब हो गया। उसका लेफ्ट शोल्डर साइड और नेकलेस दोनों ठीक करो। मेरे ख्याल से शॉर्ट के बाद करते मैडम। मशवरे मत दो, काम चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो गई दीदम? देखो मेरे होठों के लेफ्ट पे कुछ लगा हुआ है ना। इस औरत के नखरे खत्म हो तो हम अपना काम शुरू करें। अरे रे 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 शीशी। अरे हसीन गुड़िया बिल्कुल परेशान मत हो, तुम तो सब छोटी बड़ी मॉडल्स को खा जाओगी ऐसे।
अच्छा मेरे पाँव का तेल तो नजर आ रहा है ना? वो दिखे ना दिखे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ो उसे। तमाम तमाम सक पास शुरू पोज। अब क्या हुआ? मेरी नेल पॉलिश उतर गई है, मैं क्या करूं? ओहो, तुम्हारी खूबसूरती मोहताज थोड़ी है नेल पॉलिश की। हाँ ये भी है। ओके दीदम, रेडी हो जाओ, पोज। मुराद, वेलकम बैक। शूट डिस्टर्ब मत करो, जाओ। खुदा की कसम, कोई अगर मुझे ये कहे ना कि तुम्हें एक खून माफ है, तो सबसे पहले मैं इसका कत्ल करूंगी। कैसा चल रहा है सब? भाई काम शुरू हो तो पता भी चले। डिकोर का शूट चल रहा है सर। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि दीदम मैम पार्टी में जा रही हैं और पार्टी में जाने के लिए हमारा सूट पहना हुआ है, इस पर है हमारा शूट। सोफे पर लेटे हुए? समझा नहीं मैं। अगर पार्टी पे जाने वाली है तो इस तरह सोफे पे क्यों लेटी है? सरदार जी। मुराद सर, ये इस तरह सोफे पे क्यों लेटी है? Well, लेटे हुए मेरी पिक्चर बहुत अच्छी आती है। ये पोर्टफोलियो मैडम का नहीं हो रहा, ये फैब्रिक की पब्लिसिटी के लिए है, समझे? जी समझ गया मैं। हाँ ये बात तो हमें भी पता है, वो तो देख रहा है हमें। ठीक करवाए इसे। मुराद इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था मेरे साथ? तुम्हें भी तो 1970 की पुरानी मॉडल्स की तरह देखने में मजा आता है बड़ा। लगता है किसी की नजर लगी है हम दोनों को। रिलेशन जो था हमारा, लोग जलते थे हम दोनों को देखकर। रिलेशनशिप ही रहा है तुम्हारा उससे? जी हाँ, हफ्ते में 5 दिन मिलते हैं दोनों। हाँ सही कहा, हफ्ते में 5 दिन मिलते हो क्योंकि एक साथ काम जो करते हो। मेरे साथ डिनर भी करता है और शॉपिंग पर भी जाते हैं दोनों। वाओ अमेजिंग, जलते हैं लोग हमसे। अक्सर रात को देर तक हम लोग फोन पे बात करते हैं और जिस वक्त भी मैसेज करती हूँ मैं फौरन रिप्लाई आता है उसका। वो तो बड़कपन है उनका, और जहाँ तक जवाब की बात है वो तो इंसानियत के नाते देना ही पड़ता है। तुम्हारे ख्याल से ये रिलेशनशिप नहीं तो फिर क्या है? उससे अच्छा वक्त गुजारना पसंद है, किसी से वादे करना, झूठी उम्मीद दिलाना उसकी आदत में नहीं। एक बात समझ लो तुम, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है तो है, और अगर नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे बारे में शायद तुम बहुत कम जानती हो, समझी? तुम कुछ भूल रही हो शायद, जिसके लिए ये बातें कर रही हो मुराद है वो। तो क्या फर्क पड़ता है, लड़के तो लड़के हैं। हाँ, लड़के तो लड़के, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो समझा था कि मीटिंग शुरू हो चुकी होगी, मगर यहां तो अब तक कोई भी नहीं आया। कैंसिल कर दी मीटिंग। ओह गॉड, मुराद साहब ने तो आते ही बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। मेरे लिए तो आज का ये दिन बहुत बुरा है। मीटिंग के मसले से निकला नहीं था भी कि बाबा की कॉल आ गई। उनके कोई पुराने दोस्त हैं कमाल साहब, उनकी बेटी आज इंटरव्यू के लिए आ रही है, बाबा ने कहा उसे किसी जॉब पे रख लो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात यह है उसे कुछ नहीं आता, वो तो अब बाबा ने कह दिया तो अब उसे रखना पड़ेगा बस। वैसे तो ये कोई गुस्से वाली बात नहीं है। मुझे वो लोग पसंद नहीं जिनको सिफारिश पे मुझे जॉब पे रखना पड़े। भाई लड़की खूबसूरत है क्या? थैंक यू सो मच। थैंक्स। अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब करनी ही नहीं है तो फिर क्यों आई हूँ यहाँ? सही कहा बिल्कुल, लेकिन मैंने भी सोच लिया है, अभी मैं मिलकर आ जाती हूँ।
फिर बाबा से कहूंगी इंटरव्यू कामयाब नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं मिली। जब बैठे बिठाए तुम्हें जॉब मिल रही है तो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बाबा की मर्जी से जीना नहीं चाहती अब मैं। उनके कहने पर 4 लैंग्वेजेस सीखी हैं मैंने, जैसा वो बोलते रहे सब करती आई हूँ मैं, अब और नहीं कर सकती। मेरी लाइफ है, मेरी भी मर्जी होनी चाहिए। तुम हमारे बारे में बाबा को सब कुछ क्यों नहीं बता देती? तुम्हें लगता है कि मैं बाबा को ये बताऊंगी तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे? अगर मैंने जाके उनसे ये कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, पता है वो क्या करेंगे? हम दोनों को मार डालेंगे। हाँ, वो तो है। वो कभी नहीं समझेंगे इस बात को, उन्हें समझाना नामुमकिन है। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ यहाँ। मैं भी। 4th फ्लोर पे चली जाएं। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें पता है सोना पैक्टिस को ये जॉब सिफारिश पर मिल चुकी है। मुझे ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको हायर नहीं किया जाता और ऐसे लोगों को हायर कर लिया जाता है सिर्फ एक फोन कॉल पर। सही कहा, दूसरों का हक मारने वाले। पहले माँ बाप इनको पढ़ाएं फिर सिफारिश से जॉब लगवाएं, खुद की तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। अभी तक हम 3rd फ्लोर तक ही पहुँचे हैं, ये लिफ्ट तो रुकी गई है यहाँ पर। लिफ्ट खराब है, काम चल रहा है। तुम्हें मालूम है ना, मुराद सर को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। इम्पोर्टेंट बात तो तुमने सुनी ही नहीं, उस लड़की के बाबा ने कहा है कि उसे खूब मेहनत करवाना, और मुराद सर को तो तुम जानते ही हो। अब तो तरस आ रहा है उस लड़की पर। हमें भी तो उतरना था यहाँ पे। पागल हो क्या? इंटरव्यू नहीं देना था तो आई क्यों थी? फाइल भी फेंक दी है यहाँ। है इतनी क्वालिफाइड? सीवी तो देखो इसकी, कैसी जबरदस्त है। वाह भाई, काफी पढ़ी लिखी थी ये माशाल्लाह। इसने तो अपना MBA बाहर की यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, और जुबानें तो देखो, रशियन, अरबिक, इंग्लिश। ओ, इसे तो सिफारिश की जरूरत ही नहीं थी, जॉब तो इसको वैसे ही मिल जाती। मुझे इंटरव्यू के लिए किससे मिलना पड़ेगा? स्ट्रेट जाके लास्ट डेस्क। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग,
मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई। ओके वेलकम मिस पैक्टस, आपका ही इंतजार हो रहा था। नो नो ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसे ही है, सर ने बताया था कि तुम आने वाली हो। तुम्हारी जॉब ये है कि तुम मुझे असिस्ट करो। निजात सर बाहर गए हैं, ये फॉर्म लो और इसे कल जरूर फिल करके लाना। कल आपकी ज्वाइनिंग है, सुबह 9 बजे मिलते हैं। कल से? तो आप क्या एक हफ्ते बाद आना चाहती हैं? नहीं। आपको ये पोस्ट पसंद नहीं आई क्या? नो ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या 30,000 रुपए? स्टार्टिंग सैलरी है ये अभी। जी कहिए। ओके ओके मैं अभी आ रही हूँ, कल मिलते हैं। मगर ये मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, गलत कर रही हूँ मैं ये, पर मजबूरी भी है। पीछा कर रहे हो मेरा? मुझे लगता है आप पीछा कर रही हैं। हाँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे बदमाश लड़कों को, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ किसी से, समझे तुम? मेरा ऑफिस है ये। अच्छा ऐसी बात है, मेरा भी है। माफ कीजिएगा मुझे नीचे जाना है, अगर आपको एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? ये किस लिए पूछ रहे हो? इससे पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ। यहाँ बॉस की असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ, आज ही जॉब हुई है। अच्छा तो वो आप हैं। क्यों अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तुम तो जूते पॉलिश करते हो गए यहाँ। हाँ बस ऐसा ही है। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी तरक्की करवा दूंगी। ये लिफ्ट क्यों रुक गई? पता नहीं, घबराहट हो रही है मुझे। अगर ये चली नहीं तो हम लोग यहाँ फंसे रहेंगे। कब तक चलेगी ये बताओ? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ जूते साफ करता हूँ बस। मुझे निकालो यहाँ से, निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज। मर जाऊंगी मैं, मेरा सांस रुक रहा है। आपका सांस? देखो मैं मजाक नहीं कर रही, सच में सांस नहीं आ रहा, बंद जगह पर मेरा दम घुटता है। मैं मिस, मैं आपकी प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ, लेकिन आप गुस्सा हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगी मैं, अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज। रिलैक्स, यार लफ्जों में कहां दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है।